एक बार फिर से बिहार की सियासत के रंग कुछ बदलते से नजर आ रही हैं। दरअसल राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में राहत मिल गई थी। जी हां, इन्हें हाईकोर्ट ने जमानत थमा दी थी और जमानत के बाद ही उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, वो भी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा बयान देकर। शहाबुद्दीन ने कहा कि परिस्थितिवश मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश, वो एक महागठबंधन के नेता हैं। वो बस यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन्हें अपना लीडर नहीं मानता। आगे वो कहते हैं कि मैंने ना तो कभी उनका नेतृत्व स्वीकारा है और ना ही कभी स्वीकारूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेतृत्व के अनुसार मैं काम नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि मेरे नेता बस लालू प्रसाद यादव हैं। इस बयान के बाद राजनीति के मैदान में हलचल सी पैदा हो गई है। वहीं डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी कहा है कि नीतीश अपनी ताकत पर नेता नहीं बने हैं, सबने चुना इसलिए नीतीश नेता बने हैं। यूपी, झारखंड, हरियाणा में नीतीश की हवा निकल गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे लिए ये सारी बातें महत्वहीन हैं, इस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।